आज का जो हमारा प्रदर्शन है ये दर्शाता है कि राजस्थान के अंदर अगर अल्पसंख्यकों का अगर सच्चा कोई विरोधी है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है। आज हम अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से मुख्यमंत्री के निवास पर जा रहे थे, लेकिन इनकी हठधर्मी के आगे आज इन्होंने पुलिस को हमारे आगे किया, पुलिस प्रशासन ने हमारे को रोकने का काम किया, लेकिन हमारी आवाज़ को ये रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि राजस्थान की जनता जान चुकी है कि अल्पसंख्यकों के साथ में मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है। मुख्यमंत्री जी ने 2018 में जो वादे किए थे मदरसा पैरा टीचरों के लिए, उन्होंने परमानेंट करने का वादा किया था, लेकिन मदरसा पैरा टीचर परमानेंट नहीं हुए। उन्होंने जो छात्रावास की जमीन अलॉट हुई थी उसको निरस्त करने का काम किया, उसका हमारा मुख्य मुद्दा वही है, क्योंकि जो छात्रावास बनती यहाँ पर हमारे छात्र आते पढ़ते, लेकिन जब पेपर इनसे संभल नहीं रहे, पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें हमारे समाज के लोग तैयारी कर रहे थे, अल्पसंख्यक समाज के लोग बच्चे तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों को वंचित रहना पड़ा है नौकरियों से। अशोक गहलोत जी ने जिस तरह का अन्याय इस 4 साल में किया कभी पहले कभी नहीं किया। हम आज इन मांगों को लेकर और जो हमारी मुख्य मांगे हैं, चाहे RPSC का मामला हो, चाहे मदरसा बोर्ड का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे हज कमेटी का मामला हो, छात्रवृत्ति का मामला हो, इन सारे मामलों को लेकर आज हम अपनी मांग को लेकर अशोक गहलोत जी के निवास पर निकले थे। हमारे पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता, आज इतिहास में पहली बार इतनी संख्या में अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता आज जयपुर की सड़कों पर आए हैं।